बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला ठाणे महापालिकेने ब्रेक लावलेला आहे, त्यामुळे वापी ते अहमदाबाद दरम्यान ही बुलेट ट्रेन धावणार आहे। रेल्वे बोर्ड अध्यक्ष आणि सीईओ विनोद कुमार यांनी या संदर्भातला प्लान बी जाहीर केलेला आहे। एक महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय, बुलेट ट्रेन हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, मात्र आता ह्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला आता ब्रेक लागलेला आहे, कारण की हा जो ठाणे ह्या ठिकाणी खरं तर थांबा होता, मात्र ठाणे महापालिकेने जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया थांबवली आहे आणि त्यामुळे बुलेट ट्रेनला ठाण्यात ब्रेक लागलेला आहे आणि म्हणूनच वापी ते अहमदाबाद अशी बुलेट ट्रेन धावणार असल्याचं आता स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे। प्लान बी तयार करण्यात आलेला आहे आणि विनोद कुमार यांनी हा प्लान बी जाहीर देखील केलेला आहे। दोनोंही फेज, चाहे वो महाराष्ट्र का बुलेट ट्रेन हो या गुजरात का हो, दोनों ही फेज एक साथ कमीशन हो जाएंगे और उसका टाइमलाइन हम तय कर देंगे एक बार जब हमको थोड़ी लैंड की क्लैरिटी हो जाएगी। तो वो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि हम ये भी तैयारी कर रहे हैं कि अगर किसी वजह से महाराष्ट्र की लैंड एक्विजिशन में ज्यादा विलंब होता है तो उसकी भी हम प्लानिंग करके रख रहे हैं कि क्या हम पहले फेज में वापी तक करीब 325 किलोमीटर का जो सेक्शन है उस पर बुलेट ट्रेन चला पाएंगे, चला लें, और महाराष्ट्र में जब दूसरे फेज में करें तो वो फेज वाइज करना है या एक ही फेज में करना है वो निर्णय हमको जब लैंड एक्विजिशन की स्थिति साफ होगी तो उसमें हमको निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन भारतीय रेल चाहती है कि दोनों फेज एक साथ हो और पूरी ट्रेन एक साथ चले।